हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी थर्ड सेम के स्टूडेंट के लिए है। तो हमारे आज का टॉपिक है कंपैरेटिव अकाउंट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स इन वर्टिब्रेट। सारे वर्टिब्रेट्स, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स, इनके बारे में आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो इसका सिनोप्सिस है, इंट्रोडक्शंस, डेफिनेशन है डाइजेस्टिव सिस्टम्स और डाइजेशंस क्या होते हैं। थर्ड पॉइंट है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एलिमेंट्रिक कैनाल्स। फोर्थ पॉइंट है पार्ट ऑफ एलिमेंट्रिक कैनाल्ड एंड देयर स्ट्रक्चर्स। फिफ्थ पॉइंट है कंपरेटिव अकाउंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स इन वर्टिब्रेट्स। फर्स्ट है फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड एंड मैमल्स। सिक्स पॉइंट है एसेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम्स। सेवन्थ पॉइंट है कंक्लूजन और एट्थ पॉइंट है रेफरेंस। तो हमारा इंट्रोडक्शन से है, जीव अपने लाइफ को सुचारू रूप से चलाने के लिए फूड ग्रहण कर एनर्जी प्राप्त करते हैं। जो जीव होते हैं वह अपने लाइफ को चलाने के लिए फूड ग्रहण कर एनर्जी प्राप्त करते हैं, मतलब भोजन को खाकर एनर्जी प्राप्त करते हैं। जीव जिस इन्वायरमेंटल यानी पर्यावरण व वास स्थान में रहते हैं उसी के अनुसार भोजन ग्रहण करते हैं, मतलब कोई भी एनिमल जिस इन्वायरमेंटल जिस वास स्थान में रहता है उसी के अनुसार वह फूड ग्रहण करता है यानी भोजन ग्रहण करता है। भोज्य पदार्थ के रूप में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड व कुछ ऑर्गेनिक व इनऑर्गेनिक पदार्थ ग्रहण करते हैं। इन भोज्य पदार्थों का डाइजेशन एलिमेंट्रिक कैनाल्स में होता है। सेकेंड पॉइंट है डेफिनेशंस। फर्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। जीवों का वह सिस्टम जो भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है, मतलब वह सिस्टम्स अपन जो जैसे कि फूड खा रहे हैं तो उनको अंदर जाके वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो उसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम्स। अब है डाइजेशंस की डेफिनेशन। भोज्य पदार्थ के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ने की जो क्रिया होती है उसे डाइजेशन कहते हैं। थर्ड पॉइंट है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एलिमेंट्रिक कैनाल। एम्ब्रियोनिक एलिमेंट्रिक कैनाल में प्रमुखतः थ्री पार्ट होते हैं। फर्स्ट फोरगट, मिडगट और हिंडगट। जो फोरगट एंड हिंडगट के बीच एक्टोडर्म में पाया जाता है, फोरगट एंड हिंडगट एक्टोडर्म में पाया जाता है। जो फोरगट और मिडगट होता है वह एक्टोडर्म में पाया जाता है और जो मिडगट जो होता है जो बीच वाला पार्ट जो होता है वह मेसोडर्मस में पाया जाता है। एलिमेंट्रिक कैनाल में मुख्यतः फोर लेयर पाया जाता है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलर लेयर और सरोसा। फोर्थ पॉइंट है पार्ट ऑफ एलिमेंट्रिक कैनाल्स। जिस एनवायरमेंटल में विकास करते हैं, मतलब कोई भी एनिमल अपने पर्यावरण में विकास करते हैं उसी के अनुरूप फूड ग्रहण करते हैं तथा उसी के अनुरूप एलिमेंट्रिक कैनाल पाया जाता है। इसकी स्ट्रक्चर जो है वह इस प्रकार है। फिफ्थ पॉइंट है कंपरेटिव अकाउंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन वर्टिब्रेट। सभी वर्टिब्रेट में फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन जो होता है मुख्य रूप से फूड पार्टिकल को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त किया जाता है जो दो पार्ट पर डिपेंड करता है, मैकेनिकली डाइजेस्टिव सिस्टम और केमिकली डाइजेस्टिव सिस्टम्स। अब कंपरेटिव अकाउंट में सबसे पहले वर्टिब्रेट आएगा फिशेस, तो फिशेस के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। फिश एक एक्वाटिक एनिमल है जो वाटर में पाए जाते हैं। फिश जो होता है वह एक एक्वाटिक एनिमल है जो वाटर में पाए जाते हैं। यह फिश वाटर में पाए जाने वाले जीव को भोज्य के रूप में ग्रहण करते हैं। स्कोलियोडोन फिश में फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन जो होता है वह इस प्रकार होता है। अब स्कोलियोडोन जो फिश होती है उसमें डाइजेशन पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट आता है माउथ। फिश में माउथ द्वारा डाइजेशन नहीं होता है, यह माउथ द्वारा
फूड पार्टिकल को निगलने का कार्य करते हैं। सेकंड है बक्कल कैविटी, फिश में बक्कल कैविटी नॉन मूवेबल होता है, यह शिकार को निगलने का कार्य करता है। थर्ड पॉइंट है फेरिंग्स, फेरिंग्स में कोई डाइजेशन प्रोसेस नहीं होती है, यह रिप्रोडक्शन के लिए सहायक ऑर्गन्स होता है। फोर्थ पॉइंट है इसोफेगस, फिश की इसोफेगस छोटी होती है, इसमें कोई डाइजेशन प्रोसेस नहीं होती है, म्यूकस ग्लैंड द्वारा म्यूकस का स्रावण करता है। अगला पॉइंट है स्टोमच, फिश का स्टोमच पाइलोरिक एंड कार्डियल भाग से मिलकर बना होता है। अगला पॉइंट है इंटेस्टाइन, फिश में स्टोमच में पचे हुए भोजन एक्टिडल नेचर के होते हैं। रेक्टम, इंटेस्टाइन में अवशोषण के अपच भोजन रेक्टम में स्टोर होता है, जो इंटेस्टाइन्स के द्वारा जो अपच भोजन जो होता है वह रेक्टम में स्टोर कर लिया जाता है। स्कोलियोडोन का डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम, अगला पॉइंट है एम्फीबिया, एम्फीबिया उभयचर एनिमल है, इसमें डाइजेशन प्रोसेस जो होती है निम्न पॉइंट के आधार पर होता है। सबसे फर्स्ट होता है माउथ, एम्फीबियन में माउथ द्वारा डाइजेशन नहीं होता है, यह माउथ द्वारा फूड पार्टिकल को निगलने का कार्य करते हैं। अगला पॉइंट है बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी तथा फेरिंग्स गला भाग मिलकर बुको फेरेंजियल रीजन बनाता है, जो डाइजेशन में भाग नहीं लेता है। अगला पॉइंट है फेरिंग्स, फेरिंग्स आगे चलकर इसोफेगस में खुलता है, इसोफेगस बहुत छोटा भाग बनाता है, इसोफेगस जो होता है वह बहुत छोटा भाग बनाता है जहां म्यूकस का स्त्रावण होता है। स्टोमच, एम्फीबियन स्टोमच दो पार्ट से बना होता है, कार्डियल एंड पाइलोरिक कार्डियल भाग से बना होता है। यूडियम, स्टोमच बिलाई डक्ट एंड पैनक्रियास डक्ट जहाँ पर खुलता है वहाँ ड्यूडेनियम रीजन होता है, मतलब ये दोनों पैनक्रियास और बिल डक्ट जहाँ खुलते हैं वहाँ ड्यूडेनियम रीजन होता है। इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन्स एम्फीबियन में छोटा भाग व लंबवत भाग बनाता है, जिसमें डाइजेशन फिश के समान होता है, इसमें एम्फीबिया में डाइजेशन जो होता है वह फिशेस के समान ही होता है। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन्स तीन या चार कोलिड लंबवत स्ट्रक्चर हैं जो आगे क्लोका में खुलता है, क्लोका पर यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है, क्लोएका पे यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है। अगला पॉइंट है रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स एनिमल स्थली होते हैं तथा इसमें डाइजेशन जो होता है निम्न पॉइंट्स के आधार पर होता है। फर्स्ट है माउथ, माउथ जो होता है वह बड़ा भाग बनाता है, ये इसका डायग्राम है, यूरोमास्टिक्स। बक्कल केविटी आगे फेरिंग्स में मिलता है, जिसके आगे इसोफेगस होता है, इसोफेगस सक्रिय व सीधी होती है, यह म्यूकस का स्रावण करता है। स्टोमच होता है वह यू शेप्ड का होता है, इसका स्टोमच जो होता है वह यू शेप्ड का होता है एंड टू पार्ट में से मिलकर बना होता है, कार्डियक और पाइलोरिक। अगला पॉइंट है ड्यूडिनम, स्टोमच बिल डक्ट एंड पैनक्रेटिक डक्ट जहाँ खुलता है वह ड्यूडेनियम होता है, यह एम्फीबिया की अपेक्षा जो होता है बड़ा होता है, यह मतलब रेप्टाइल एम्फीबिया की अपेक्षा बड़ा होता है, जो एम्फीबिया में पड़ा है उसका अपेक्षा यह बड़ा होता है रेप्टाइल्स। इलियम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम सक्रिय कुंडलित स्ट्रक्चर है, इसमें डाइजेशन एम्फीबिया के समान होता है। क्लोएका में वेस्ट प्रोडक्ट आते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स सारे इसी में आ जाते हैं, जिसमें यूरिनरी ब्लेडर राइट साइड होता है तथा वेस्ट प्रोडक्ट क्लोएकल अपरेटर्स द्वारा बाहर कर दिया जाता है। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे बर्ड पूर्ण रूप से वायवी एडेप्टेशन में
व्यतीत करते हैं। इसमें डाइजेशन की प्रोसेस निम्न पॉइंट्स द्वारा समझ सकते हैं। फर्स्ट है माउथ। बर्ड का माउथ रूपांतरित होकर बिक्स बनाता है। इसमें माउथ से डाइजेशन नहीं होता, इसमें भी माउथ से डाइजेशन नहीं होता है। माउथ आगे चलकर बक्कल कैविटी में खुलता है। सेकेंड पॉइंट है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी से फूड पार्टिकल फेरिंग्स रीजन में जाता है। यह आगे इसोफेगस में खुलता है। अगला पॉइंट है इसोफेगस। इसोफेगस एक लंबवत स्ट्रक्चर है जिससे फूड पार्टिकल आसानी से क्राप में क्रमाकुंचन गति द्वारा जाते हैं। अगला पॉइंट है क्राप। क्राप की स्ट्रक्चर केवल बर्ड में ही पाई जाती है। जो ये क्राप जो एक स्पेशल पार्ट है, ये केवल बर्ड में ही पाया जाता है। क्राप आगे स्टोमस में ओपन होगा। अगला पॉइंट है स्टोमच। बर्ड का स्टोमच टू पार्ट में डिवाइड होता है, प्रोवेन, ट्रिकुलर्स और गिजार्ड। अगला पॉइंट है ड्यूडिनम। ड्यूडिनम में डाइजेशन रेप्टाइल्स के समान होता है। ड्यूडिनम आगे इलियम में निरंतर रहता है। इलियम इसका डाइजेशन जो होता है रेप्टाइल के समान होता है। मतलब बर्ड में भी जो डाइजेशन जो होता है वह रेप्टाइल्स के समान ही होता है। क्लोएका रेक्टम्स लार्ज इंटेस्टाइन म्यूकस द्वारा चिपचिपे प्रोडक्ट को आगे ले जाने का कार्य करते हैं। क्लोएका ऑपरेटर्स द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट को उत्सर्जित करते हैं। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे मेमल्स में। मेमल्स डेवलप्ड एनिमल हैं तथा इनमें डाइजेशन की प्रोसेस निम्न चरणों के आधार पर समझा जा सकता है। इसमें भी फर्स्ट है माउथ। माउथ में डाइजेशन केवल मेमल्स में होता है जहाँ स्टार्च का डाइजेशन होता है। अगला पॉइंट है फेरिंजियल रीजन। फेरिंग्स में इस एक स्ट्रक्चर वाला यूला पाया जाता है। इसोफेगस। इसोफेगस से म्यूकस स्त्रावण होता है जो फूड पार्टिकल को स्टोमच में भेजता है। अगला पॉइंट है स्टोमच। मेमल्स का स्टोमच जो होता है वह थ्री पार्ट से बनाता है, कार्डियल, पाइलोरिक, फंडिक। ये मेमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम्स का डायग्राम है। अगला पॉइंट है ड्यूडिनम। यह छोटी आंत में निरंतर होती है तथा इसमें डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वह बर्ड के समान होती है। इलियम। इलियम में डाइजेशन बर्ड के समान होता है या आगे सिकम में खुलता है। सिकम हर्बीवोरस में विकसित होता है तथा यह आगे लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। अगला पॉइंट है लार्ज इंटेस्टाइन्स। यह केवल म्यूकस की सहायता से वेस्ट प्रोडक्ट आगे एनस द्वारा बाहर कर दिया जाता है। सिक्स पॉइंट है एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेशन की प्रोसेस मूल रूप से एसेसरी ग्लैंड की सहायता से कंप्लीट होती है, जिसमें मुख्य रूप से सिल्वरी ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियास, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड आदि भाग लेते हैं। अगला पॉइंट है कंक्लूजन। डाइजेस्टिव सिस्टम एक जटिल प्रोसेस है जिसमें एलिमेंट्री केनाल में भिन्न टाइप के पार्ट पाए जाते हैं, जिसमें माउथ से शुरू होकर एनस तक कंप्लीट होती है। जो डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वह माउथ से स्टार्ट होकर एनस पर जाकर कंप्लीट होती है। इसका रेफरेंस है ए टेक्स्ट बुक ऑफ वर्टिब्रेट बाय कोटपाल RH। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।